लोग आते थे विस्टर वीजा पे, और वो भी अपना यहाँ पे वीजा आके कन्वर्ट करा लेते थे और पहले। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ, जिसपे हम बात करने वाले न्यू पॉलिसी चेंजेस इन दी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। तो आपको पता ही है, बीते कुछ टाइम से ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अपनी प्रोसेस में और अलग अलग न्यू चेंजेस ला रही है ऑन डिफरेंट वीजाज, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो चाहे वो विस्टर वीजा हो। इन दोनों वीजाज में पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो लैंग्वेज टेस्ट हो, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो जो विस्टर वीजा के अंदर मेजर चेंज आया है जो कि 1 जुलाई से होने वाला है। और अगर आप विस्टर वीजा पे आने वाले हैं तो ये वीडियो को जरूर देखना, और स्टूडेंट वीजा पे आने वाले हैं अभी रिसेंट में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर लाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पॉइंट नंबर 1, सो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं 1 जुलाई 2024 से, जो कि विस्टर वीजा के ऊपर। सो गाइस आपको पता है, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे विस्टर एंटर हुआ और बहुत सारे लोगों ने स्टूडेंट वीजा में अपना वीजा भी कन्वर्ट कराया, बट अब एक नया चेंज ले आई है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। इन्होंने क्या करा है कि इस पे एज लिमिट सेट कर दिया। पहले क्या होता था, एज पीपल भी आते थे, 35-40 के भी लोग आते थे विस्टर वीजा पे, और वो भी अपना यहाँ पे वीजा आके कन्वर्ट करा लेते थे, और पहले इजीली कन्वर्ट भी हो जाता था। बट अब ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने क्या कर दिया है, इस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। अब इस पे क्या कर दिया है, उन्होंने एज लिमिट सेट कर दी है। पहले क्या होता था, 40-40 साल के लोगों का भी विस्टर वीज़ा कन्वर्ट हो जाता था स्टूडेंट वीज़ा में, और उनको वर्क परमिट भी इशू हो जाता था बाद में। बट उन्होंने क्या कर दिया, जिसकी भी एज 35 से ऊपर होगी, अब उसको वो लोग वर्क परमिट यहाँ पे नहीं इशू करेंगे। अब उसको ये कंट्री लीव करनी पड़ेगी एट द एंड, जैसे स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, बट उसके बाद आपको TR नहीं मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, और फाइनली उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंट्री को लीव आउट करना पड़ेगा। ये सबसे मेजर चेंज आया है। जिसकी भी एज 35 से ऊपर है वो अपना वीज़ा चेंज तो करा सकता है, बट उसके बाद आपको यहाँ पे वर्क परमिट इशू नहीं होगा, और वर्क परमिट इशू नहीं होगा तो आपको इस कंट्री को लीव करना पड़ेगा। खाली जो लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं वो हैं हांगकॉन्ग के और ब्रिटिश पासपोर्ट वाले, जो ब्रिटिश पासपोर्ट, इन दोनों कंट्रीज़ के लोग ही खाली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और उनकी एज लिमिट है 50 ईयर्स, और इंडियंस की जो दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं उनकी एज लिमिट है 35। खाली इंडिया की नहीं, मैं सारी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ एक्सेप्ट हांगकॉन्ग एंड ब्रिटिश कंट्रीज़ की। इन दोनों कंट्रीज़ को छोड़ के हर जगह के लोगों के लिए एज लिमिट सेट कर दी गई है। सेकेंड जो कि है लैंग्वेज टेस्ट। पहले क्या होता था, आपको 6 ईच बैंड नहीं चाहिए होते थे हर एक मॉड्यूल में, बट अब क्या कर दिया है, उस क्राइटेरिया को भी चेंज कर दिया गया है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो जैसे IELTS और PT, तो आपको मैं स्कोर बता देता हूँ आपको अब से क्या चाहिए होगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो पहले क्या होता था, 6 लिसनिंग में ले आते थे, 6 रीडिंग, 6 राइटिंग और 5.5 स्पीकिंग में भी आ जाए तो भी आपकी फाइल यहाँ पे लग जाती थी, लॉज हो जाती थी। लॉज तो अब भी हो जाएगी, बट आपके वीज़ा चांसेस बहुत कम रहेंगे अगर आप इस स्कोर पे अप्लाई करते हैं। तो अब क्या कर दिया उन्होंने, ईच कर दिया है, ईच मॉड्यूल में आपको 6 बैंड स्कोर चाहिए होगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ फंड्स को लेकर, फंड्स कितने चाहिए होंगे आपको मैं बता देता हूँ। बहुत लोगों के ये चीज़ दिमाग में आती है कि भैया फंड्स कितने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको फंड्स चाहिए अराउंड $25,000, $25,000 to $30,000 चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीस में बनता है 25 to 30 lakh rupees। तो 30 लाख रुपए कम से कम आपको आपके अकाउंट में ओरिजिनल फंड्स चाहिए, और विद स्टेटमेंट कहाँ से आए आपको शो करना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जैसे लोग क्या करते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए खाली पैसा रख लेते हैं, बट ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पिछले 6 महीने के स्टेटमेंट भी चेक करेगी आपकी, कि आपकी क्या ट्रांजेक्शन है, आपने खाली दिखाने के लिए रखे हैं कि आपके असलियत में है पैसे। तो ये भी चीज़ें ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन इसीलिए आपकी स्टेटमेंट मांगती है। और ये हो गए लैंग्वेज टेस्ट और इसके बारे में, और एक आपको GS और GS GT के बारे में पता ही होगा, जो कि क्राइटेरिया चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, GT में आप अपनी पूरी SOP लिख के भेजते थे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में, बट ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट करने के लिए उसको चेंज कर दिया गया है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में,
तो अब से आपको जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसका जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट होया करेगा। उसमें ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन आपसे आपके बारे में क्वेश्चन पूछा करेगी, आपके फाइनेंशियल फाइनेंशियल के बारे में और आपकी स्टडीज़ के बारे में, मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके पर्सनल होंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई अलग क्वेश्चंस नहीं पूछेगी, जैसे मैथ्स इंग्लिश के बारे में नहीं पूछेगी आपकी। जो भी होंगे आपके पर्सनल क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको जो आप पहले